Hello everyone, myself Rohan. I am from IPHI. Today we are going to discuss about splint, जो कि first aid में बहुत ही important काम होता है आपके splint का. ये उस patients के लगाया जाएगा जिनको hand fracture हुआ हो या leg fracture हुआ हो या फिर कोई भी bone का fracture हुआ हो. अभी हमें आपको hand splint के बारे में बताने जा रहे हैं. Hand splint लगाने से पहले आपको hand splint एक तैयार करना होगा. इस splint को तैयार करने के लिए आपको कोई भी hard surface की ज़रूरत होगी. आप किसी गत्ते का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर किसी आप लोहे के एक फ्लैट सरफेस का इस्तेमाल कर सकते हैं जिसको आप मोबिलाइज कर सको, एक डिजायरेबल शेप दे सको. अभी मैंने एक गत्ते का ही इस्तेमाल किया है और इस गत्ते को मैंने एक बैंडेज से रैप कर दिया है. इसके अंदर मैंने कॉटन का भी एक सरफेस बनाया है. जो मैंने ये इनर सरफेस रहेगा जो पेशेंट के हाथ के नीचे रहेगा, ये सरफेस जो है बहुत ही सॉफ्ट सरफेस है और ये साइड का सरफेस थोड़ा हार्ड है ताकि इसकी पोजिशन बनी रहे. ये सरफेस पेशेंट के हाथ के नीचे रहेगा ताकि उसके कोई सोर ना हो, कोई इंजरी ना हो किस स्प्लिंट की वजह से, क्योंकि ऑलरेडी उस पेशेंट के फ्रैक्चर है, वो हेयरलाइन फ्रैक्चर हो सकता है या फिर कोई भी आगे कोई बड़ा फ्रैक्चर हो सकता है, क्लोज फ्रैक्चर है, ओपन फ्रैक्चर है. पर हम पेशेंट को स्प्लिंट बेसिकली इसलिए लगा रहे हैं ताकि उसके हाथ को मूवमेंट दे सकें. हॉस्पिटल जाने से पहले हम आप किसी पेशेंट को देख रहे हैं कि उसको फ्रैक्चर हो चुका है, अब उसके हाथ को पोजिशन कैसे दी जाए. तो ऐसे में ये स्प्लिंट जो है आपका हेल्प करेगा पेशेंट के हाथ की मूवमेंट देने के लिए और उस हाथ को वो पोजिशन बनाए रखने के लिए ताकि उसकी जो बोन फ्रैक्चर्ड हुई है उसमें और ज़्यादा कोई तकलीफ ना हो और पेशेंट को आप तुरंत स्प्लिंट लगाने के बाद हॉस्पिटल शिफ्ट कर सकते हैं. या फिर इसको हम उन पेशेंट्स को भी लगाते हैं जिनको माइनर सा कोई हेयरलाइन फ्रैक्चर हो, जिसको हम हिंदी में कच्चा प्लास्टर भी बोलते हैं. तो अब मैंने एक हार्ड सरफेस को रैप कर दिया है कॉटन और बैंडेजेस की हेल्प से और इसको काफ़ी सॉफ्ट बनाया है. अब जैसे कि मेरे पास एक पेशेंट है जिस पेशेंट के हमें आपको हैंड पे जो रेडियस और अल्ना वाले बोन है इनमें से इनकी रेडियस बोन पे फ्रैक्चर्ड है. तो इस फ्रैक्चर बोन को हमें कवर करने के लिए पहले देखना होगा कि ये मेरा स्प्लिंट जो है उनके हाथ के साइज़ का है कि नहीं. अगर आपको उनके हाथ का साइज़ का नहीं है तो उसके हाथ के साइज़ का बनाना होगा, ठीक है. अब देन आपको जिस पार्ट पे उसके फ्रैक्चर्ड है उस फ्रैक्चर्ड हाथ को आपको क्या करना है, पहले स्प्रिट स्वैप से उसको क्लीन करना है. स्प्रिट स्वैप से क्लीन करने के बाद अच्छी तरह उस हाथ को आपको स्प्रिट स्वैप से आप क्लीन कर लेंगे. क्लीन करने के बाद आपको क्या करना है, उसके बाद उसके हाथ को मूवमेंट बना के रखनी है सीधी इसी ढंग से कि जिस पोजीशन में आपका स्प्लिंट रखा जा सके. ये करने के बाद आप क्या करेंगे, अपने जो आपने जो स्प्लिंट बनाया था, जो आपने स्प्लिंट बनाया था हार्ड सरफेस का, उस स्प्लिंट को पेशेंट के हाथ के नीचे रखेंगे कुछ इस जगह से और पेशेंट को बोलेंगे कि उसका स्प्लिंट को सपोर्ट करे कुछ इस तरीके से और हाथ को इस पोजिशन में मुड़वा देंगे, ठीक है. मुड़वाने के बाद पेशेंट इसको इस ढंग से पकड़े रखेगा. अब इस स्प्लिंट को फिक्स करने के लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी कुछ बैंडेजेस की. आप बैंडेजेस का इस्तेमाल करेंगे और इस बैंडेजेस को पेशेंट के हाथ पे रोलिंग वे में टाई कर देंगे. ये बैंडेजेस आपको टाई करते वक्त ये ध्यान देना है कि वो बहुत ज़्यादा टाइट ना हो, नहीं तो पेशेंट का हाथ का जो ब्लड सर्कुलेशन है वो रुक जाएगा. दूसरा, पेशेंट के हाथ नम हो जाएगा, सुन्न हो जाएगा और सुन होने की वजह से पेशेंट को टिंगलिंग फीलिंग होगी उनकी फिंगर्स के अंदर थोड़ी. अच्छी तरह फिक्स करने के बाद दोनों ही तरफ से आप अपने स्प्लिंट को फिक्स कर देंगे. ये रोलिंग बैंडेज आप इसी तरह कंटिन्यू करते रहेंगे जब तक आपकी बैंडेज फिनिश ना हो जाए. आप इसको ऑफ और भी अच्छे मैनर में टाई कर सकते हैं. जैसे कि आप अभी तो मैंने डायरेक्ट सिर्फ ये बैंडेज का इस्तेमाल किया है, आप इसके ऊपर चाहे तो एक और कॉटन का रोल हैंड पे टाई करने के बाद इस बैंडेज को रोल आउट कर सकते हो. देन ये करने के बाद आपको माइक्रोपोर की ज़रूरत पड़ेगी. माइक्रोपोर से हम इस स्प्लिंट को टेप कर देंगे. टेप करने के बाद अब हमें बनाना होगा एक स्लिंग. स्लिंग बनाने के लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी एक अनदर बैंडेज की, 4 इंच, 6 इंच, आप 2 इंच की बैंडेज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि पेशेंट का हाथ जो है आप इसी पोजीशन में पेशेंट को रखना है काफ़ी वक्त तक, क्योंकि इसको मोबिलाइज इसी स्प्लिंट की वजह से मिलेगा. पोजीशनिंग एक हाथ को इसी वजह से मिलेगी. बेसिकली स्प्लिंट आपकी बोन को हील करने में हेल्प कर रहा है, क्योंकि वो एक पोजीशन उसकी होल्ड करने में आपकी मदद कर रहा है. पेशेंट के हाथ के नीचे से वो बैंडेज को निकालेंगे और कुछ इस ढंग से ये
टाई कर देंगे ताकि ये हाथ जो है पेशेंट का उसी जगह पे फिक्स कर दिया जाए। फिक्स होने के बाद पेशेंट का हाथ उसी जगह पे रहेगा। जैसे जैसे अभी हमने जो स्प्रिंट लगाया है ये अपनी पोजीशन बना के रखेगा, स्लिंग भी इसको हेल्प कर रहा है ताकि ये डाउन ना जाए, एक एक्सेसिव मूवमेंट ना हो हाथ के अंदर। स्प्रिंट को लगाने का हमारा मेन पॉइंट ये है कि किसी पेशेंट का अगर कोई बोन फ्रैक्चर हुआ है तो ये उसको एक पोजीशन देगा, या फिर कोई ऐसी इमरजेंसी आई है आपके सामने कि आपने देखा किसी पेशेंट की बोन फ्रैक्चर हो गई है और उसको प्लास्टर लगाना है, लेकिन प्लास्टर से पहले आपके पास उसको हॉस्पिटल भेजना बहुत ज़रूरी है, तो हॉस्पिटल भेजने से पहले हम पेशेंट को ऐसे स्प्रिंट का इस्तेमाल कर सकते हैं और स्प्रिंट लगाकर पेशेंट को हम हॉस्पिटल भेज सकते हैं ताकि उसके हाथ को पोजीशन मिले और बोन को भी हील होने में आसानी हो। थैंक यू।